रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जनरली इसे एक ऐसी मेमोरी के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है जिसे केवल देखा या रीड किया जा सकता है, डिलीट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब ये बात कंप्यूटर्स में तो समझ आती है जहाँ पर हम रोम को उन बेसिक प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं जिन्हें डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कन्फ्यूजन तब क्रिएट होता है जब आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को रोम बोला जाता है, जहाँ पर आप ना सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं बल्कि बड़ी आसानी से उसे डिलीट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में किसी कस्टमाइज्ड ओएस को फ्लैश करते हैं तो उन्हें भी कस्टम रोम्स ही कहा जाता है। तो कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में यूज की जाने वाली रोम्स में क्या डिफरेंस है, रोम को अलग अलग टर्म्स में कैसे यूज किया जाता है और क्या मोबाइल फोन की इंटरनल स्टोरेज को रोम कहना सही है या नहीं, इन सभी बातों को हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में रोम को एक परमानेंट सेट ऑफ प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल बायोस को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। सिंपली अगर कहे तो बूटअप या विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम आपको जो ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है वो बायोस होती है। यहाँ पर इसे फर्मवेयर भी कहा जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरर द्वारा जो प्रोग्राम्स डाले गए हैं एक यूजर उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एंड्रॉइड फोन्स के केस में इंटरनल स्टोरेज के लिए रोम टर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में ये रोम नहीं बल्कि रोम का ही एक टाइप फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें डेटा को मल्टीपल टाइम्स रीड राइट किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है जिससे इसका यूज स्टोरेज डिवाइसेस जैसे मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स आदि बनाने में किया जाता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि जब एक फ्लैश स्टोरेज में हम डेटा को डिलीट या अगेन स्टोर कर सकते हैं तो फिर भी फोन की इंटरनल स्टोरेज यानी फ्लैश मेमोरी को रोम क्यों बोला जाता है। वेल, इसके पीछे रीजन यह है कि जब किसी फ्लैश मेमोरी में किसी ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को फ्लैश किया जाए जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है और जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में उस फ्लैश मेमोरी को एज ए फ्लैश रोम कंसिडर किया जाता है। एंड्रॉइड फोन्स के केस में फ्लैश मेमोरी यानी इंटरनल स्टोरेज के एक पार्टीशन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है जिसे आप नॉर्मली डिलीट नहीं कर सकते। हालांकि फोन को रूट करके इसे डिलीट किया जा सकता है, बट इन जनरल यही माना जाता है कि इसे रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए यूजुअली यहां पर इसे रोम कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी कस्टम ओएस को भी अपने फोन में फ्लैश करते हैं तो उसे भी कस्टम रोम कहा जाता है क्योंकि उस ओएस को एक रीड ओनली प्रोग्राम की तरह फोन की इंटरनल स्टोरेज में फ्लैश किया जाना है। इन शॉर्ट, किसी मेमोरी को हम रोम तभी कह सकते हैं जब उसमें कोई ऐसा रीडेबल प्रोग्राम फ्लैश किया गया हो जिसे नॉर्मली रिमूव या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि स्मार्टफोन्स में कहां पर आप रोम टर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात सिर्फ किसी डेटा जैसे मूवीज, ऑडियोज, वीडियोज या किसी भी तरह की फाइल्स को स्टोर करने की आती है तब उस फ्लैश मेमोरी या आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज को रोम बोलना बिल्कुल गलत होगा। इस केस में इसे स्टोरेज बोला जाता है जहां पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। मॉडर्न स्मार्टफोन्स में स्टोरेज के लिए यूएफएस यानी यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज को यूज किया जा रहा है। स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से किसी फ्लैश मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस को रोम बोलना मिसलीडिंग है। आई होप रोम और स्टोरेज से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।